हिंदू लड़कियों के साथ धर्मांतरण हो रहा है, धर्म चेंज करवा रहे हैं मुसलमान जबरदस्ती। मैं सहमत नहीं हूँ। तो इंसानियत का तकाजा नहीं है कि इसी टाइप किसी को सताना, किसी भी धर्म में सहमत नहीं हूँ। यहाँ पे मुस्लिम लोगों को सम्मान मिलता है, उसी प्रकार वहाँ के लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए। मैं सहमत नहीं हूँ। उनको अपना हिंदू तो हिंदुत्व ही मिलना चाहिए, और सिंधी को भी जैसे कोई धर्म नहीं दे, कोई भी चीज़ नहीं बदल सके, तो इसे ही हम भी यही चाहेंगे कि इमरान खान को बोला जाए कि वो अपने किसी का भी हिंदू का धर्म नहीं परिवर्तन करें। मैं सहमत नहीं हूँ। हिंदू खतरे में तो है, आश्वासन दिया सर लाकर तलवी नरेंद्र जी ने कि वहाँ हिंदू बने रहे, आने की जरूरत नहीं है। मैं सहमत नहीं हूँ। अपने धर्म के अलावा बाकी सबको काफिर मानते हैं, जबकि हमारे हिंदू में जो है बड़ा दिल रखते हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन हम तो पहले सब हिंदू थे, अब मुसलमान बन गए, अब फिर वापस आ रहे हैं, तो वापसी आने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ तो मैं ये कहूँगा, मैं सहमत नहीं हूँ। नमस्कार, बोल पब्लिक बोल में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर आदिकाल से बहस होती आई है। जी हाँ, धर्म हो या मजहब हो, ये व्यक्ति की आस्था का विषय है, ये उसका व्यक्तिगत विषय है। स्वामी विवेकानंद ने भी ऐसा कहा है कि धर्म जब जब सार्वजनिक होता है वो सांप्रदायिक हो जाता है। आप ईश्वर में आस्था रखते हो, आप ईश्वर की पूजा करते हो या अल्लाह की इबादत करते हो, यह आपका विषय है। लेकिन किसी को जबरन धर्म में परिवर्तन कराना और उसका धर्मांतरण करना, ये कहाँ तक वाजिब है, ये संस्कृतियों के प्रतिकूल है। और ऐसा ही विषय इस वक्त पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हो रहा है। वहाँ पर हिंदू संप्रदाय की सिंधी समाज की लड़कियों को, कन्याओं को जबरन इस्लाम जो है वो कबूल करवाया जा रहा है, और इस पर जाहिर सी बात है कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एक हल्ला हो रहा है कि ये धर्मांतरण क्यों। इस विषय पर कई सिंधी समाज के लोग हैं, कई जागरूक लोग हैं जो इसे जायज़ नहीं ठहराते हैं, उनका क्या मानना है इस पर हम बातें करते हैं। क्या कहते हैं आप? सर जी, भारतीय सिंधु सभा और एकता ग्रुप सिंधी समाज ने आज कलेक्टर पे इकट्ठे हुए थे। कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि जो पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ धर्मांतरण हो रहा है, धर्म चेंज करवा रहे हैं मुसलमान ज़बरदस्ती, छोटी छोटी बच्चों को फिर उनको बंदूक की नोक पे स्टेटमेंट दिलवाते हैं कोर्ट में कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, ये बहुत अन्याय हो रहा है। हम अपने प्रेसिडेंट से और प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं तो इनके लिए कुछ न कुछ करें। पाकिस्तान गवर्नमेंट इमरान खान, प्रधानमंत्री इमरान खान को वो दबाएं, प्रेशर डालें कि ये ऐसा अन्याय हम भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा अन्याय होगा। ये हमारा हिंदुस्तान 1947 में कि पार्टीशन भी इसी बुनियाद पर हुई थी कि हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे, पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे। इसीलिए हम भी यही चाहते हैं जो भी हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं वो बिल्कुल यहाँ आ जाएं। उनको किसी पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, किसी नेशनलिटी की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उनको इजी आने दिया जाए। वहाँ तो मुसलमान उनको बहुत सहूलतें देते हैं कि सिर्फ वो धर्म परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर अपन उनको किसी को सहूलत नहीं दे रहे हैं, कम से कम इतना तो करें। नेशनलिटी है जो 30-30 साल से यहाँ नहीं मिल रही है और लोग भटक रहे हैं, उनको कम से कम नेशनलिटी तो दी जाए। हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने बात तो कर ली जी। देखिए, ये 9 मार्च 1950 को जी नेहरू लियाकत एक पैकेज बना था जी, कि वहाँ पर माइनॉरिटी यानी हिंदू, क्रिश्चन, बुद्धिस्ट, जैनी, सिख सब बहुत आज़ादी से और बहुत ही अपने धर्म के आधार पर चलेंगे जी। और यहाँ पर हिंदुस्तान में माइनॉरिटी मुस्लिम, देखिए 2 दिन पहले हमारे सांसद श्री शंकर लालवानी जी ने जी लोकसभा में जो मुद्दा उठाया, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं और उसको बधाई देते हैं। उन्होंने ये बात कोट की कि देखिए यहाँ के माइनॉरिटी कितनी आज़ादी से अपना जीवन बिता रहे हैं और वहाँ की माइनॉरिटी इतने दुख और पीड़ा सह रही है जी, जबकि पाकिस्तान के रहने वाले हिंदू वो भी वहाँ पर जो रहते हैं वो भी देशभक्त हैं, लेकिन उनको देशभक्ति का रिवेंज यानी अवार्ड यही दिया जा रहा है कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों को उठा के उनको धर्म परिवर्तन करके उनको कन्वर्ट करके उनको डाइवर्ट करके इस्लाम
एक ऐसा मजहब है, मैं इस्लाम की कदर करने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि हमारी बेस वही है, वो हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्म भूमि जी। हम धर्म को, हर धर्म को इज्जत देने वाले, आदर देने वाले समाज हैं, यानी हिंदू। वैदिक सनातन धर्म यही बोलता है। हम ये कहते हैं, अपने मुसलमान भाइयों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया वहाँ पर जितने हिंदू परिवार रह रहे हैं, वो आप लोगों की शरण में हैं, रक्षा में हैं, वो उनकी रक्षा करना आपका धर्म होना चाहिए। यहाँ की माइनॉरिटी जो रह रही है, वो आज मोदी जी को भी मैं बधाई देता हूँ, मोदी सरकार को भी, कि आज मुसलमान कितनी आज़ादी से सड़कों पर अपनी नमाज पढ़ते हैं, जुम्मे की नमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय पर पाकिस्तान से बात करना चाहिए। मेरा दूसरा विषय है कि मैं शॉर्ट में कह के कि कोई भी इंसानियत, मजहब इंसानियत सीखता है। हम बेहतर देता क्या बनेंगे, हम इंसान बन जाए। तो इंसानियत का तकाजा नहीं है कि इसी टाइप किसी को सताना किसी भी धर्म में। मैं शॉर्ट में भाई, हमारे शंकर लालवानी ने जो भी सांसद में अगर उसी को ही आधार बना ले जी, तो उसने सब बात उसमें एक छोटे से उसमें कह दिए कि उसी को ही मुद्दा बना के उनको खुद तवज्जो देना चाहिए कि हम क्या करें। उन लोगों को, इंसान को पता रहता है कि ये गलत कर रहे हैं, आगे बस सब समझदार है, हम आपको क्या बोल रहे हैं। एक बहुत पहले एक मूवी आई थी जिसमें बलराज साहनी एक गाना गाते हैं कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की तू औलाद है, इंसान बनेगा। तो क्या आज इंसान इंसान है या इंसान बढ़ गया है? इंसान तो इंसान ही है। हाँ, अपन बढ़ गए हैंगे आपस में जी। हाँ, जो ये जो चल रहा है धमांतर का, ये जो अभी एक ये जो व्यक्ति ने भी अभी दो तीन दिन पहले कहा था कि आज बोले मेरे पिताजी ने ये बोले धर्मांतरण करा था, तो इसके लिए आज मैं कर रहा हूँ, कल मेरी औलाद आएगी तो वो भी करेगी। हाँ, तो ये शब्द गलत है। और मैं इमरान खान जी से मैं कहती हूँगी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, कि जो देश में आपके उस शरण में रह रहे हैं, उन हिंदुओं को आप पूरा समर्थन दे, उनकी पूरी जो भी है, उनकी जो हक है, उनको पूरा दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। मैं भी यही समर्थन करती हूँ कि जो पाकिस्तान में रह रहे हैं सिंधी भाई या जो हिंदू रह रहे हैं, उनको अपना हिंदुत्व ही मिलना चाहिए। और सिंधी को भी जैसे कोई धर्मात्मा बदलने नहीं दे, कोई भी चीज़ नहीं बदल सके, तो इसे ही हम भी यही चाहेंगे कि इमरान खान को बोला जाए कि वो अपने किसी का भी हिंदू का धर्म नहीं परिवर्तन करें। आप कुछ कहेंगी? हम भी यही कहना चाहते हैं कि मुसलमान जो लोग हैं वो लड़कियों को अपने मतलब नहीं बदलने दें, और जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दें, वैसे ही रहने दें। ऐसी भी कई खबरें आती हैं कि हिंदू भी कई मुस्लिम महिलाओं को धर्मांतरण कराते हैं और कहते हैं कि हमने इनको शुद्धिकरण का नाम दिया है, तो फिर सनातन धर्म वाले भी तो करते हैं। क्या रहता है, हिंदू समाज में कभी ऐसा रहा ही नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती कुछ भी किया जाए जी। हिंदू समाज ऐसा समाज है जहाँ रहता है, भले वो इजराइल में रहता हो या अमेरिका में रहता, अमेरिका को धोखा नहीं देगा जी। हिंदू खतरे में तो है, आश्वासन दिया सर लाकर तो वहाँ हिंदू बने रहे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आश्वासन यहाँ तो बने रहे वो बाप बनकर, और वहाँ उनको बाहर मार के निकाल दिए थे, पंडितों को कश्मीर से निकाल दिया। अभी कश्मीर के पंडित जो वर्षों से बाहर, वहाँ कश्मीर की संस्कृति है, तो उसे मुसलमान होने के कारण उनको क्यों सहायता दे रहा है पाकिस्तान? सिंध से, पाकिस्तान से सिंध और बलूचिस्तान अलग हो जाएंगे एक दिन, आप क्या कहते हैं? जो कुछ हो रहा है बहुत अमानवीय हो रहा है, और हर एक को अपने धर्म का पालन करने की पूरी आज़ादी मिलना चाहिए जी। हमारे देश में कई धर्मों को सबकी पूरी पूरी आज़ादी है। और भी कई लोगों से इस बारे में हम बात करेंगे कि क्या धर्मांतरण होना वाजिब है या गैर वाजिब है। जाहिर सी बात है कि वाजिब इस वाजिब इसे कोई नहीं कहेगा, सब गैर वाजिब कहेंगे, क्योंकि धर्म तो आस्था का विषय है और आपकी आस्था किसी में भी हो सकती है। आप रास्ते में पड़े पत्थर को भगवान जब बना देते हैं तो वो भी एक आपकी आस्था का विषय है। इसलिए किसी भी मायने में किसी भी धर्म को धर्मांतरण करने की छूट उनका धर्म भी नहीं देता। ये जो इस प्रकार के लोग करते हैं, ये न खुद नैतिक है और न ये नैतिक कार्य करते हैं। और भी कुछ लोगों से इस बारे में बातें करते हैं। चलिए, तो दोस्तों जैसा हमने बात कही थी कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है और वो व्यक्तिगत विषय है। किसी को जबरन अगर धर्म परिवर्तन कराया जाए तो न वो किसी धर्म में लिखा है और न नैतिकता के ये मायने हैं। और जब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जब वहाँ की सरकार ये कहती है कि हम भी एक लोकतांत्रिक सरकार का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हिंदू लड़कियों को जब जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है तो उसके पड़ोसी मुल्क यानी कि हमारे हिंदुस्तान में तहलका मच जाता है, क्योंकि हम
इस प्रकार के किसी भी कृत्य को जायज नहीं ठहरा सकते। तो भले ही ये हो पाकिस्तान में रहा हो, लेकिन क्या यह वाजिब है? इस बारे में बात करने के लिए कई लोग हैं हमारे साथ जो इस विषय से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि वो इनसे सहमत नहीं है। आप क्या कहते हैं? पिछले दिनों भारतीय सिंधु सभा की 27-28 जुलाई को भोपाल में बैठक हुई थी, उसमें यह तय किया गया था कि पूरे देश में हम जो धर्मांतरण पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उस विषय को लेकर सभी कलेक्टरों को ज्ञापन देंगे। हो यह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जबरन हिंदू लोगों की बेटियों को उनका धर्मांतरण करा के उनकी शादियां की जा रही है, लव जिहाद के नाम से वहां कोरम मचाया जा रहा है, और वहां हिंदुओं के साथ भी सामान्य हिंदुओं के साथ भी बहुत अत्याचार हो रहा है। जब 47 के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुआ था, तब ये तय हुआ था कि हर कोई मुल्क अपनी अपनी जगह पर अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगा। इस विषय पर पाकिस्तान पूरी तरह से विफल रहा है, इस हेतु हमने इंदौर कलेक्टर को यहाँ पे आज ज्ञापन दिया। खास विषय दो थे, एक तो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार पाकिस्तान में हो रहे हैं, दूसरा यहाँ पर भी जबरन धर्मांतरण की स्थिति बन रही है। यहाँ खास करके मुस्लिम लोग तो कर ही रहे हैं, और दूसरा क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे सिंधी समाज के लोग। तो हमने कहा कि ये गलत गतिविधियाँ, गैरकानूनी गतिविधियाँ जो हो रही है, कलेक्टर उनको सख्ती से रोके। अगर जहाँ तक सवाल है वापसी का, तो ये तो सही है कि हम सब पहले यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू ही थे, तो वो कोई गलत नहीं कर रहे कि वापसी हो रही है। लेकिन किस अरबिस्तान से कोई मुसलमान लाकर उसको हिंदू नहीं बना रहे, उनकी वापसी नहीं हो सकती। लेकिन हम तो पहले सब हिंदू थे, अब मुसलमान बन गए, अब फिर वापस आ रहे हैं, तो वापसी आने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ तो मैं ये कहूँगा। दूसरा ये है कि जिस तरह आज पेपर वगैरह में आया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कंडेम किया, तो ये जो हिंदुस्तान में अफवाहें फैलाई जा रही है कि हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है, ये गलत है। मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई सिंध प्रांत में एक व्यक्ति है, ज़मींदार है बड़ा, मियाँ मिठू, नाम मैं दे रहा हूँ, मियाँ मिठू, जिसने 25 साल में कम से कम हज़ारों लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवाया है। उसका मेन काम यही है, और कभी भी हुकूमत जो है उनके गले में हाथ नहीं डाल रही, और वो आज़ादी से खुलेआम ये काम कर रहा है। वहाँ के हिंदुओं ने भी कंप्लेंट की हुई है कि मियाँ मिठू को समझाया जाए, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो हम पाकिस्तान गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कदम उठाया, सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, ताकि आइंदा ऐसी हरकतें न हों। नाबालिग बच्चों का, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनका धर्म परिवर्तन जोर जबरदस्ती से हथियारों के दम पे कराना, ये तो एक मानवीय विरोधी है, मानवता के खिलाफ ही है। ये किसी का भी जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए। जी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिमों का है और इस्लाम को जो नहीं मानता है वो काफिर है। जी, हिंदुस्तान में भी सभी को, लोकतंत्र में सभी को छूट है किसी भी धर्म को। और जब 1947 में बंटवारा हुआ था, उस समय एक समझौता हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि किसी के भी धर्म जाति के आधार पर उसका विखंडन नहीं किया जाएगा, उन्हें जो मान्यता है वो उसी को मान सकते हैं। ये एक समझौता हुआ था, उसी आधार पर आज हम कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने आए थे कि इस तरह की कोई भी अमानवीय हरकतें ना हों। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर कोई अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, किसी पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव न बनाया जाए। इस बारे में ये भी कहा है कि मंदिर में दाना चुगकर वो चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने देखा है अक्सर राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम ही सीती है। तो जब तक ये हिंदू और उर्दू की संस्कृति जिंदा रहेगी, तब तक ही इसमें मिठास रहेगी। लेकिन जबरिया अगर हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू बनाया जाए, तो न ये मुल्क हिफाजत से रहेंगे, न इस मुल्क की बेटियां हिफाजत में रहेगी, और न किसी मुल्क की रहेगी। कहने का मतलब यही है कि फिर से हम यही कहेंगे कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी अंबर बाटा, मत बांटो इंसान को। तो बोल पब्लिक बोल में अब दीजिए इजाज़त इस ज्वलनशील मुद्दे के साथ कि धर्मांतरण सही है या गलत है। जाहिर सी बात है आप लोग भी गलत कहेंगे, और ऐसे ही किसी मुद्दे को लेकर हम आपसे भी रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे।
अगले किसी विषय पर। अब दीजिए इजाजत मुझे यानी कि निमिष भंसाली को कैमरामैन प्रतीक सोलंकी के साथ टैलेंटेड इंडिया न्यूज के लिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।